नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे माड़ा गांव से आस भारत जोड़ो प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान जिस माड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए एक नई पहचान माड़ा गांव को दी, उसी गांव से उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर भाजपा की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं नहीं गुजरात से लेकर उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल में होने जा रहे चुनाव में इस तरह की यात्राओं से कुछ फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिल पाएगा, ऐसा जानकार मानते हैं। ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस अपनी जमीन को दोबारा तलाशने के लिए अब कोई गलती नहीं करना चाहती। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि माड़ा गांव से आस भारत जोड़ो प्रयास। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत माणा गांव से करने जा रही है। माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में करने के पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस माणा गांव को एक नई पहचान दी थी, उसी गांव से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत प्रदेश में करने जा रही है, जिससे कि राजनीतिक लाभ भी कांग्रेस को इससे मिले, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों को भी कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है, जिसके माध्यम से जनता के बीच कई सवालों को लेकर और प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी कांग्रेस बताने का काम करेगी। क्या कुछ कांग्रेस का पूरा कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है, पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लेते हैं। हमने निर्णय किया है कि हम हर जिले में ये यात्रा निकलेगी, जिले के प्रभारी बनाए जा रहे हैं और शुरुआत हम उसको माणा से कर रहे हैं, जो भारत का अंतिम गांव है। चाइना बॉर्डर से हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं और बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए यात्रा आएगी। और जो जोशी मठ में नरसिंह जी के मंदिर को भी ये यात्रा जाएगी, वहां भी प्रणाम करते हुए हम निकलेंगे और कर्णप्रयाग इत्यादि इलाकों में ही जाएगी। हमारे यहाँ हमने इस यात्रा को, जो मेरी साथ जो यात्रा चलेगी, हमने चार या पांच फेज में हम इसको निकालेंगे। तीन तीन चार चार दिन की यात्राएं होंगी, जिसमें दो यात्राएं गढ़वाल मंडल में, दो कुमाऊं में और एक यात्रा हमारी ऋषिकेश हरिद्वार इत्यादि क्षेत्र में होगी, जिसका समापन गंगा जी में होगा। कांग्रेस बेशक उत्तराखंड के दूरस्थ गांव माणा से प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को लेकर ही सवाल खड़े कर रही है। आप भी सुन लीजिए इन शीर्ष नेताओं के बयान। माणा गांव अब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया है मोदी जी के आने के बाद, और अच्छा लगा मुझे कांग्रेस के लोगों को माणा ध्यान आया। और जहां तक उनका भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, तो राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है, उत्तराखंड से प्रारंभ करें तो हम स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने भारत को तोड़ा हो उनको भारत जोड़ने का जो नारा लेकर जो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की स्थिति में है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस द्वारा जो समाज को तोड़ने के काम हुए वो लोगों के मनोस्थिति में आज भी है।
भारत जोड़ने जैसी बात जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ ठीक नहीं है। वो भारत को इसका मतलब एक नहीं मानते हैं। अगर भारत को एक मानते हैं तो भारत को जोड़ने वाली बात कहां से आ गई? कहीं देश में कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं चल रहा है कि भाई हम कोई अलग देश मांग रहे हैं, अलग प्रदेश मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उनके जो दिमागी जो हालात है उसको प्रकट करती है, क्योंकि उनको भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ रही है। भारत जोड़ने के लिए भारत सरकार ने 370 जैसी धाराएं हटाई जो विभाजक थी, तो उनको उसका समर्थन करना चाहिए, उस पर आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर देखे तो उत्तराखंड का गांव जहां एक तरफ विश्व पटल पर एक नई पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा आयोजित करने के बाद आ गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में माणा गांव से होने के बाद सीधे तौर से यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सीमांत क्षेत्र से लगा हुआ माणा गांव अब उत्तराखंड की सियासत का केंद्र बिंदु भी बन गया है, जिसके माध्यम से भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में किसको देश के आखिरी माणा गांव की सियासी पिच से ज्यादा फायदा होगा, यह देखना होगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो देश का अंतिम गांव यानी माणा गांव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी यहां से किया था, प्रधानमंत्री ने वहां से गांव के लोगों से मुलाकात भी की थी। अब इसी को लेकर कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने की बात वहां से कर रही है, जिसको लेकर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। फिलहाल हमारे साथ पैनल में देवभूमि के दंगल में कई लोग मौजूद हैं, पीसी थपलियाल साहब, बिपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी से, और सुनीता विद्यार्थी जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देवभूमि के दंगल कार्यक्रम में। तो पीसी थपलियाल साहब से शुरुआत करेंगे कि पीसी थपलियाल साहब, आप पहले तो प्रधानमंत्री का आगमन होता है जहां पर वो लोगों से मिलते भी हैं, परियोजनाओं का भी, कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं, और उसके बाद अब कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वहीं से शुरुआत कर रही है, वहां पे भी वो जाने वाले हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहता रहा हूं कि बाबा केदार को इन लोगों ने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है, और उसी तर्ज में जब माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कई बार बाबा केदार आए, और इस बार पहली बार माणा गांव गए, और माणा गांव से उनका जो कुछ कार्यक्रम था, जो उन्होंने स्थानीय प्रोडक्ट वहां से जो भाषण दिया देश को और पर्यटकों को कि भाई यहाँ आओ और यहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट है उसको खरीदो, तो वो जो हुआ है, और अगर उसकी काट में अगर कांग्रेस ये सोच रही है तो ये समझिए कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात कांग्रेस कर रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ के जो कांग्रेस है वो उसका राज्य लेवल पीसी थपलियाल साहब, लेकिन पीएम तो गए ना वहां पे माणा गांव गए, उसके बाद ही तो कांग्रेस भी जागी है ना, लोगों से मिला तो उन्होंने, मुलाकात बातचीत तो की, लोगों को प्रोत्साहित तो किया, आत्मनिर्भर की भी बात उन्होंने की, कम से कम प्रधानमंत्री का दौरा तो हुआ, तभी तो कांग्रेस भी जागी है। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जो दौरा था उस दौरे को बहुत बड़ा आभा मंडल था उस दौरे का, उस कंपैरिजन में अगर कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप उसके कारण ये कार्य कर रही है तो वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, ये मैंने कहा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो अपना व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व की नकल अगर कांग्रेस कर रही है तो हंसी के पात्र बनेंगे। क्योंकि इन लोगों ने इनका जैसे माणा से एक न्यूसेंस वैल्यू है एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो शहर है, धीरे धीरे जहां ये कवर करते जाएंगे वहां पे ये एक भीड़ क्रिएट करेंगे,
भीड़ क्रिएट करते हुए ट्रांसपोर्ट पे असर पड़ता है, कोई कहीं जा रहा है वहां पे असर पड़ता है, यातायात पे असर पड़ता है। तो ये जो यात्राएं हैं ये केवल हिंदुस्तान की राजनीति में है। अगर विदेश के नेताओं को और विदेश की राजनीति को आकलन करें तो वो लोग मुद्दों पे, वो सब्जेक्ट पे गहन अध्ययन करते हुए राजनीति करते हैं और पक्ष और विपक्ष बड़ा शानदार ढंग से एक दूसरे की नीतियों पे, उनके कार्यक्रमों पे अपना। ठीक है पीसी थपलियाल जी, ठीक है आपके पास आएंगे। विपिन खन्ना जी, माड़ा गांव में अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करेगी तो इसको लेकर सियासत भी हो रही है। जैसा कि पीसी थपलियाल साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं ये नकल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की और वो नहीं सही है, आपका क्या कहना है? साफ साफ कहना है कि ठीक है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है, लेकिन इसको हम देखेंगे कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो हशर हो रखा है इस टाइम देश और प्रदेश में, तो उस स्थिति को संभालने के लिए ये लोग यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल थपलियाल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर जब से निर्वाचित सरकार हुई है, धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार इतने घपले, घोटाले, भर्तियां, विधानसभा भर्तियां, अंकिता हत्याकांड और कहीं से बाहर से पुलिस आकर यहां पर फायरिंग कर देती है, हत्या कर देती है, दुनिया भर के ऐसे प्रकरण उत्तराखंड में हो गए हैं जिस पर कांग्रेस को मुखर होना चाहिए था और मुद्दे उठाने चाहिए थे सड़कों पर। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में उतना मुखर नहीं है कांग्रेस, विपक्ष में उतना दम नहीं भर पा रही है? देखिए उत्तराखंड के अंदर मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र को लेके जो गैर चरण की बात हुई थी उस पर मुखर होकर कांग्रेस को बात रखनी चाहिए थी कि हम लोग सत्र जो है गैर चरण में ही चलने देंगे या देहरादून में सत्र नहीं चलेगा। राजधानी की बात पर मुखर होना चाहिए था, अंकिता हत्याकांड में मुखर होना चाहिए था, भर्ती घोटालों पर मुखर होना चाहिए था। अब यात्राएं करके अगर आप भारत जोड़ो यात्रा आप कर रहे हैं, ठीक है केंद्र में भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। अच्छा दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को गुटबाजी से बाहर आकर अपने संगठन को देखना चाहिए। इनके नेता कभी किसी दल में चले जाते हैं, कभी किसी दल में चले जाते हैं। आपको पता होगा 2015 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, इनके 11-11 मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक दूसरे दलों में चले गए थे, उनको ये बचा नहीं पाए। और आज भी कहीं भी अगर कहीं बात छिड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का कोई नेता जाने वाला तो कांग्रेस के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो इसका बड़ा कारण है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है कांग्रेस को उसको खत्म करना चाहिए, ना कि यात्राएं निकालनी चाहिए। ठीक है यात्राएं निकालिए, लेकिन यात्राएं निकालिए कांग्रेस जो प्रदेश के जो लोग हैं, प्रदेश की जो जनता है उनकी सुविधाओं के लिए यात्रा निकालिए, जो राज्य सरकार की कमियां हैं उसके लिए यात्रा निकालिए। अब अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए आप यात्राएं निकाल रहे हैं, मुझे लगता नहीं इसका कोई फायदा होने वाला। विपिन खन्ना जी यात्रा तो बहुत पहले से शुरू हो गई राहुल गांधी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो भारत जोड़ो यात्रा यानी भारत के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उसके कार्यकर्ता जाएंगे, तो यहाँ पे तो ये भी सवाल खड़ा होता है ना कि क्या माड़ा गांव में ऐसा नहीं है कि वो किसी भी हर जगह जाने की बात हो रही थी कि पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, पूरे भारत में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। अब जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है, तो बीजेपी भी तो सियासत कर रही है। नहीं नहीं देखिए बीजेपी जो बात कह रही है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो है, तो मैं बीजेपी को साफ कहूंगा कि बीजेपी ने जो भारत को तोड़ने का प्रयास किया है, जो संसाधन, जो संस्थाएं बेचने का प्रयास किया है, जो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया है, जो दलित ठाकुर करने का प्रयास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये तो आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा करने से अब क्या आपको लगता है कि वो कॉपी की जा रही है, प्रधानमंत्री के जाने के बाद ही वो लोग जागे हैं? जी देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के जैसा कि आम तौर पे अंतिम
गांव के रूप में कहा जाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम गांव की उपाधि देकर जो माणा को सम्मान दिया है वो काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रेरणा स्रोत सभी लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य पूरे भारत में पूरे विश्व में किए जा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और अगर कांग्रेस ने भी इस दौरान कुछ सीखा है तो मैं कहूंगी कि बहुत आपको साधुवाद है। और जैसा कि यहाँ पे हमारे देखिए त्रिवेंद्र भाई साहब भी जुड़े थे, उन्होंने कहा था अपनी बाइट में बोला कि अगर भारत में कोई ऐसी अव्यवस्था चल रही हो कि भारत जोड़ने की बात आ रही हो तब तो इनका पदयात्रा इस तरीके से सही है कि भारत जोड़ो, जबकि लेकिन जब इस तरीके से कोई गतिविधियां पूरे भारत में नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को। सुनीता जी, किस तरह की गतिविधियां आप चाहती हैं कि होनी चाहिए, किस तरह की गतिविधियां होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन तो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, पटेल जी के हाथों रियासतें दी गई और उन्होंने भारत को जोड़ा। अब जो सिनेरियो है मैं यहाँ पे बता दूं, इनसे पूछिए 1962 की इंडो चाइना वार हुई थी तब क्या जोड़ा था इन्होंने, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में क्या जोड़ पाए, 1971 के भारत पाक युद्ध में क्या जुड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आएंगे सुनीता जी। हमारे साथ संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपने सुना होगा सुनीता विद्यार्थी जी की बात, उसका जवाब दीजिए। जाएंगी इनकी यात्रा? नहीं, आएंगे सुनीता जी, आपके पास आएंगे। संदीप जी आ गए हैं हमारे साथ जी। संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है जी। आपने सुना होगा सुनीता विद्यार्थी जी ने जो कहा। विनय जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरी भाजपा में होते हैं का माहौल है, पूरी भाजपा। समझ रहे हैं कि इस यात्रा के एक प्रारूप के तहत इस प्रदेश में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ के माणा गांव से, जो हमारे प्रदेश का अंतिम गांव है और जो आखिरी गांव हमारे यहाँ का जो आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, इन दोनों गांवों से लेके बीच में जितने गांव शहर पड़ते हैं प्रत्येक जगह जाके हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता एक यात्रा में ये मैसेज देने का काम करेगा कि प्रदेश में वर्तमान में इस सरकार में क्या स्थिति है। अब तो 6 वर्ष का राज भाजपा इस प्रदेश में कर चुकी है, 6 वर्ष का हिसाब और 6 वर्ष के वादे भाजपा को याद दिलाने के लिए, और इस प्रदेश में हुए अंकिता प्रकरण, UK SSC प्रकरण, केदार भंडारी प्रकरण, इन प्रकरणों को लेकर कांग्रेस आम जनमानस के बीच जाएगी और उनको बताएगी कि 6 वर्षों में भाजपा ने इस प्रदेश को क्या दिया है। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा महंगाई की स्थिति में हमें, बेरोजगारी में हमारे, ठीक है। और एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पर संदीप जी, देखिए यहाँ पर विपिन खन्ना जी ने एक बात कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तराखंड में मुखर नहीं है, मुख्य धारा में नहीं है, जो विपक्ष का काम है वो नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। खन्ना जी की एक बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। ये किस मुखरता की बात करते हैं, वर्तमान में मुख्य विपक्ष के रूप में इस प्रदेश में कांग्रेस है। आप भी तो चुनाव लड़े थे, 58 विधानसभाओं में आपकी जमानत जब्त थी, क्या आप इस प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े चुनाव को आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया, आप किस बात की बात करते हैं। और लड़ना है तो भाजपा से लड़िए ना, जो दल सत्ता में, आपको कांग्रेस से लड़कर क्या मिलेगा, आप क्या भाजपा के सहयोगी दल है, आप लड़िए तो आज सत्ताधारी दल से लड़े ना, विपक्ष के साथ तो आपको कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आप पार्टी का ये भाजपा के सहयोगी बनकर इस प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में इस बात का काम करती है, क्योंकि उत्तराखंड में आपने देखा है जितने कम सीटों पे हम हारे हैं, 7 से 8 सीटें ऐसी थी, अगर ये अपने प्रत्याशी को मात्र वोट कटवा के रूप में ना लड़ाते तो वर्तमान में स्थिति इस प्रदेश की कुछ और होती। जी बिल्कुल, मनोज ध्यानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज ध्यानी जी आपके पास आएंगे, लेकिन विपिन खन्ना जी आप जवाब दीजिए कि जहां पर संदीप जी का कहना है कि मुख्य धारा में हम हैं और आपकी बात से वो इत्तफाक नहीं रहते रखते हैं। अनम्यूट कर लीजिए विपिन जी। लेकिन संदीप जी को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी केवल इसलिए चुनाव ना लड़े कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है,
ये तो कोई बात नहीं हुई। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अब उसमें किसका नुकसान हो रहा है और किसका फायदा हो रहा है ये सोचना हमारा काम नहीं है। और दूसरी बात जो संदीप जी ने कही कि उत्तराखंड में मुखर है कांग्रेस, तो भारत जोड़ो यात्रा जो ये लोग निकाल रहे हैं उसके अंदर माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी, ये इतने गुटों में बटे हुए हैं कि सबसे पहले इनको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, अब एक बात रखनी पड़ेगी प्रदेश की जनता के सामने। बहुत गलत मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है, और जब कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है तो भारत जोड़ो यात्रा उसके बाद करे, पहले अपनी अपने को जोड़े, पहले कांग्रेस को अपने को जोड़ने की जरूरत है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाले। बिल्कुल मनोज ध्यानी जी, आपने तमाम लोगों की बात भी सुनी है, बात हो रही है माड़ा गांव की जो कि देश का अंतिम गांव है, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने कई परियोजनाओं का वहां से शिलान्यास किया। अब कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा भी वहां से करेगी, और ऐसे में अब दोनों पक्षों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासत भी शुरू हो गई, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे सबसे बड़ी बात इस बात की खुशी है कि जो भारत का सबसे अंतिम गांव कहा जाता है, आज वो प्रथम गांव के रूप में पहचान बना रहा है। हमारा प्रथम गांव है मेरी दृष्टि में, और हमने पिछले साल ही जब एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और उत्तराखंड इलेक्शन वार्ड की 7,500 यात्रा प्रारंभ की थी, तो हमने भी माणा को ही चुना था। भारत देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, राष्ट्र को एकता का संदेश राष्ट्र के नेतृत्व के द्वारा दिया जाता है, और साथ साथ पूरे सीमांत प्रदेश है, सीमांत प्रदेश की सीमांत का जो प्रथम गांव है वहां से तिब्बत और चीन और अन्य जो ताकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ताकते उनके पास संदेश जाता है, सैन्य बलों को संदेश जाता है, और पूरे देश के पास संदेश जाता है। उसे भी भगवान बद्रीनाथ जी के पास है तो उसे सती का धाम कहा जाता है, और जो माता सरस्वती की जो विलुप्त हो गई है नदी, उनका उद्गम स्थल भी माणा का ही है, और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि उत्तर रहा। देखिए माणा जो है उस गांव के जो आज वर्तमान में प्रधान है वो कांग्रेस पार्टी से है जीते हुए, और प्रधान जी से हमारी लगातार वार्ता भी होती है, बातचीत होती है, लेकिन हम उनको इस रूप में देखते हैं कि वे एक जनप्रतिनिधि है और राष्ट्र के जो प्रथम गांव है उसके जनप्रतिनिधि के रूप में। अगर देश की आजादी की बड़ी पार्टी अगर कोई यात्रा प्रारंभ करती है और उसका जो दृष्टि पत्र जनता के समक्ष रखा जा रहा है कि भारत की जोड़ने की यात्रा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दृष्टि पत्र जो रखा गया है, और इस पर भी हम आपसे बात करेंगे मनोज ध्यानी जी, क्योंकि अभी ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, और ब्रेक के बाद जब हम आपसे आएंगे और इस पर बात करेंगे कि माड़ा गांव को लेकर जो ये सियासी पारा गर्म हो गया है, आखिर क्यों हुआ है, देवभूमि के दंगल में अभी लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे चर्चा जारी रहेगी। खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। प्रतिशत शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रे जाइए। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे हैं माड़ा गांव से आस भारत जोड़ो प्रयास, और इसी पर हमारे साथ तमाम लोग पैनल में मौजूद हैं। मनोज ध्यानी जी से हम बात कर रहे थे। मनोज ध्यानी जी, विपक्ष की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं, जैसे कि एक बात सामने निकल कर आई है कि नकल कर रही है कांग्रेस, क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद अब ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। दूसरी तरफ ये भी आरोप है कि अस्तित्व की खोज कर रही है, कहीं ना कहीं अस्तित्व भी खोता जा रहा है। ये तमाम तरीके की बातें निकल कर सामने आई है। ये देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, ये हम सभी मानते हैं। और जिस तरीके से 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी और जनता पार्टी की जो राजनीति के कांग्रेस में भारत की, उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से उसे काम किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रत्येक यात्रा का अपना महत्व होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं मतलब जस्ट एक रिमाइंडर के तौर पे ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि राहुल जी कैलाश की यात्रा पे निकले थे राहुल गांधी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ। तो ऐसा नहीं है कि केदारनाथ जब मोदी जी आए तो उन्होंने राहुल जी की नकल करनी, इसको इस दृष्टि से न देख के प्रत्येक यात्रा का अपना महत्व होता है। और जो जो संदेश राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने देना चाहा राष्ट्र के लिए और देश बाहरी ताकतों को, वो संदेश गया। राजनीतिक लाभ, राजनीतिक दल है लोकतंत्र के अंदर, राजनीतिक लाभ उठाएंगे अपनी यात्राओं से, अगर वो लाभ नहीं उठाएंगे तो ये बुद्धिमत्ता थोड़ी कहलाएगी। तो चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कल आने वाले पीरियड में क्षेत्रीय राजनीति दल हो सकता है, आम आदमी पार्टी, तो निकालनी चाहिए। अभी तो कह रहे हैं कि चूंकि क्षेत्रीय राजनीति और लोकतंत्र के संवाद के तौर पे ऐसी यात्राओं को उत्तराखंड की अवधारणा के सवालों पे भी जरूर केंद्रित होना चाहिए, सिर्फ उसको धार्मिक स्थल या सीमांत प्रदेश से निकली हुई यात्रा के रूप उनको इन यात्राओं को गैरसैंड भी ले जाना चाहिए, उनको या उन यात्राओं को बागेश्वर ले जाना चाहिए जहां अग्निवीर जैसा एक लड़का 100/100 लेने के बाद और एनसीसी ग्रेजुएट होने के बाद आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को उस ओर ही दृष्टि करनी चाहिए, उनको वनंतरा रिसोर्ट में जाना चाहिए जहां पर बेटियां लाचार बेबस हो जाती है, उस ओर की तरह लगाते हैं। उन्हें इन यात्राओं के माध्यम से इन इश्यू को भी एड्रेस करना चाहिए कि उत्तराखंड की बेटियां इतने संघर्ष के बावजूद अपने राज्य के भीतर 30% आरक्षण के लिए अपने ही कोर्टों के द्वारा नकार दी जाती है और संवैधानिक चीजें नहीं हो पाती है। तो यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण है, यात्राओं से बड़े संदेश जाते हैं और राजनीतिक दलों को उनको जो लाभ प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज ध्यानी जी आपके पास आएंगे, पीसी थपलियाल पास चलेंगे। पीसी थपलियाल साहब, ये बताइए, आपने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बीजेपी की कहीं ना कहीं नकल कर रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा जो है हम वहां करेंगे और सरकार की नाकामियों को बताएंगे, क्योंकि अब वो केंद्र बन चुका है, प्रधानमंत्री वहां पे गए हैं, तो ऐसे में ये कोई भी चीज जब ट्रेंड में होती है तो उस चीज का कोई ना कोई फायदा तो उठाता है। अगर कांग्रेस कह रही है कि मैं वहां पर जाकर ये नाकामियां सरकार के बताऊंगा, तो उसमें गलत क्या, किस तरीके से नकल करने की बात हो गई? अनम्यूट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्षियों को
अपने पिच पर खिलाने की क्षमता रखती है, और बार बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस उस पिच पे फंस जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार राहुल गांधी जनेऊ पहनकर मंदिरों में गए, तो वो अपने पिच पे खिलाने में बहुत ही होशियार पार्टी है। और जो नाम रखा है राज्य स्तरीय बैठक में भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, तो हंसी के पात्र इसलिए बनेंगे क्योंकि उत्तराखंड इंटरनेशनल स्टेट है। उनका सवाल ये होगा कि तुम हिमालय के इस स्टेट में इस बॉर्डर के अंदर भारत जोड़ो की बात क्यों कर रहे हो, तुम व्यवस्था परिवर्तन की बात करो, तुम उत्तराखंड बचाओ की बात करो। थपलियाल साहब, ये जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अभी से नहीं शुरू हुई है, वो तो पूरे पूरी जगह जाएगी। और दूसरी चीज आपने कहा जनेऊ पहनने की, तो इसमें फंस कैसे गए भाई? जनेऊ उनकी मर्जी, उन्होंने पहना, उनकी आस्था। भारत जोड़ो की यात्रा जो है उसका नेतृत्व तो इसमें राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो साउथ से लेकर नॉर्थ तक तमाम एक रूट बनाया हुआ है, उसके तहत चल रहे हैं और वो ठीक लग रहा है। लेकिन राज्य स्तरीय बैठक भारत जोड़ो करना अच्छा नहीं लग रहा है। आप, मैं बता रहा हूं कि इन्होंने इसका नाम, देखो नाम बहुत मैटर करता है, किसी भी कार्यक्रम का अगर नाम उल्टा रख दोगे आप तो हंसी के पात्र बनोगे। मैं पहले भी बोला हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा है, उस कद के आगे स्टेट लीडरशिप जिसको भाजपा के अपने नेता रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जो कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद्वों में फंसी हुई है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालती तो और अच्छा रहता। वो भारत जोड़ो यात्रा स्टेट लेवल में ठीक नहीं है। हम चाह रहे थे कि कांग्रेस उत्तराखंड बचाओ यात्रा निकालते, बहुत शानदार लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तराखंड बहुत पीड़ित हो चुका है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये अग्निवीर जो इनका वो है योजना, उसके तहत उत्तराखंड के युवा आत्मदाह करने लग गए हैं, ऐसी योजनाओं का पर्दाफाश करते। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे करेंगे वो, इन सब्जेक्ट को कैसे छुएंगे? लोग बोलेंगे कि अंकिता हत्याकांड और भारत जोड़ो का क्या रिश्ता लगता है? ये चीजें हैं। कमलेश, अगर अग्निवीर की भर्ती, मनोज ध्यानी जी ने ये बात कही तो उन्होंने कहा तो जो चीजें हैं वहां पे, उस रिजॉर्ट में जाइए, वहां से भारत जोड़ो यात्रा तमाम जगह जाइए जहां पे आपको लगता है उत्तराखंड में गलत हो रहा है, वहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बात मनोज ध्यानी जी ने रखी अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नकल कैसे हो गया, क्योंकि भाई भारत का हिस्सा है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई आम आदमी भी जा सकता है। खैर, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, आप लोग तो पार्टियों से संबंध रखते हैं। इस यात्रा का जो नाम है, जो हेडिंग है, रॉन्ग है। वो स्टेट की जो समस्या जोड़ो यात्रा के तहत कैसे कर सकते हैं, आप इस बात को समझिए ना। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, अब बाणा गांव में बोलेंगे भारत जोड़ो, तो भारत जोड़ो के ऊपर उनको बताना पड़ेगा कि भारत को कैसे जोड़ो। वो अंकिता हत्याकांड की जिक्र करेंगे तो भारत जोड़ो का सब्जेक्ट नहीं आता, हेडिंग कुछ और रहेगी, चैप्टर कुछ और रहेगा, तो लोग हंसी का पात्र बनाएंगे उनको। उनकी हेडिंग सब्जेक्ट एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि उत्तराखंड बचाओ यात्रा निकालते तो बहुत अच्छा लगता। स्टेट लीडरशिप को भारत जोड़ो यात्रा निकालना शोभा नहीं देता। मैं तो इनकी बेकूफी पे बहुत, मैं चाह रहा हूं एक मजबूत विपक्ष उत्तराखंड में हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना अब कांग्रेस की बूते के बाहर है। उसको तमाम दलों को संगठित करके ऐसा फ्रंट बनाना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके। तो थपलियाल साहब, आप भी अब चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ आप मिलकर मजबूत बने और विपक्ष के सामने, सत्ता पक्ष के सामने आए? बड़ा विपक्षी दल है, पर वो जो कार्यक्रम कर रहा है, वो कार्यक्रम जो नाम के मुताबिक शोभा नहीं दे रहा है। भारत जोड़ो अगर माणा से निकालेंगे, गढ़वाल में घूमेंगे, कुमाऊं में घूमेंगे, तो क्या संदेश देंगे भारत जोड़ो यात्रा में? ये मेरा कहने का मतलब, हेडलाइन उन्होंने गलत रखी है। ठीक है, विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, थपलियाल साहब की बात आपने सुनी। विपिन खन्ना जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा नाम ठीक नहीं लग रहा है, आपको भी ऐसा लगता है? अनम्यूट करो खन्ना जी, अनम्यूट कर लीजिए विपिन खन्ना जी। देखिए, यात्रा तो यात्रा है, यात्रा का कोई ना कोई तो नाम रखना ही पड़ेगा। यात्रा ठीक, आप यात्रा करें, लेकिन थपलियाल जी ने एक बात बिल्कुल ठीक कही
कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की कुनूतियों जो कुरूतियां हैं उससे उसको बचाने के लिए उत्तराखंड बचाओ यात्रा अगर ये लोग करते, उत्तराखंड के युवाओं को बचाओ यात्रा ये लोग करते, उत्तराखंड की मातृशक्ति को बचाओ यात्रा ये लोग करते, अंकिता जैसे जैसे बेटियों की हत्या को रोकने के लिए अगर ये लोग यात्रा करते, उत्तराखंड में पर्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अगर ये यात्रा करते, तो मैं समझता हूँ इनकी यात्रा कामयाब होती और हम लोग भी इसको अप्रिशिएट करते। बिल्कुल विपिन खन्ना जी, त्रिपलियाल साहब ने एक बात और कही कि जो बीजेपी है वो फंसा देती है, राहुल गांधी फंस गए, राहुल गांधी जनेऊ पहन लिया, तमाम तरीके की बातें कही, इस चीज को आप क्या कैसे लेते? देखिए वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है काम करने का, वो लोग ऐसी नहीं, क्या राहुल गांधी इसमें फंस गए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या राहुल गांधी इसमें नहीं, 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 ऐसा मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी, ये अपनी आस्था का विषय है, राहुल गांधी जी ने जनेऊ पहन लिया तो उनका व्यक्तिगत मामला है, ये अगर वो पूजा कर रहे हैं मंदिर जा रहे हैं तो उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी अगर मंदिरों में भजन कीर्तन कर रही है, प्रधानमंत्री जी मजरा बजा रहे हैं तो राहुल गांधी जी उनको देखकर जो है मंदिरों में और मस्जिदों में जा रहे हैं, अभी मोहन भागवत जी गए मस्जिद में तो किसको देख के गए, राहुल गांधी जी को देख के गए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी को देखकर जनेऊ पहन लेते हैं या उनको देखकर जो है वो मंदिरों में पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनीता विद्यार्थी जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ, ये तो राहुल बाबा का खेल है और इस खेल में पूरी कांग्रेस जो है मजबूर है, उनको उनके आगे तो कुछ वो कर नहीं सकते हैं, तो राहुल बाबा जैसा बोलेंगे उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। दूसरी बात है कि नेहरू जी को जब भारत को एकत्रीकरण करने का जो मौका था तब पटेल जी ने नेहरू जी को एक रियासत दी थी जिसमें नेहरू जी ने अपनी जिद के कारण और अपने स्वार्थवश दो निशान दो प्रधान खड़े किए थे और जो हमारा भारत का गौरव कश्मीर था उसका क्या हाल किया था वो आप सबके सामने, आप सभी गवाह हैं। मेरा ये कहना है कि पद यात्रा कीजिए, ठीक बात है, कांग्रेस को खोजिए, जहां जहां टूटी पड़ी है बिखरी पड़ी है फेविकोल लगाएं, फेविक्विक लगाएं, जैसा मर्जी करें आप जोड़िए, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर राहुल बाबा की यात्रा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से अगर मार्तंड मंदिर तक जाती और सूर्य देव को जल चढ़ाती तो बात होती, तो जोड़ने वाली बात आती, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर पे अगर वो जाते तब हम सोचते कि नहीं भाई राहुल बाबा के नाना, राहुल माइनो के नाना जी ने जिस भूमि को बंजर, सुनीता विद्यार्थी जी वो कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे इसको लेकर आप तो आपको तो नहीं बताएंगे ना, कोई आपकी मुहर तो नहीं लगेगी कि आप उस पे हस्ताक्षर करेंगे तभी वो वहां जाएंगे, बताना नहीं है हम लोगों को, कुछ नहीं बताना है। देखिए इनकी पार्टी, इनके लीडर और इनकी जो है सर्वनाश हो रहा है वो सब ये देख रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें तो देखिए जनता की सेवा करनी है, हमें इनके पचड़ों में नहीं पड़ना है। दूसरी बात, अगर भारत को अगर बांग्लादेश को गिफ्ट किया हुआ 3 बीघा गलियारा ये पदयात्रा से जोड़ने की बात करते हैं तो बात जरूर है। अब यहाँ पे देखिए नीति माना की बहुत बात हो रही है, नीति माना जी तो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पूरी जनता से आह्वान किया है कि हम जिस प्रकार से भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट, हेमकुंड साहिब परियोजनाओं, केदारनाथ परियोजनाएं, बद्रीनाथ परिधाम परियोजनाएं जिस तरीके से उन्होंने शिलान्यास किया है और विकास किया है, आज इनके पास सड़कें हैं भाई साहब वहां तक जाने के नहीं, लिए नहीं ठीक है। देखिए इतिहास इतिहास की भी बात आपने खोदनी चाहिए, अब 70 साल इस इतिहास पे नहीं वर्तमान पे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इतिहास है, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, कई ऐसी अच्छी नीतियां भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि तमाम तरीके से हर जगह आप वही बात करेंगे, इतिहास पे नहीं जाते हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या माड़ा गांव में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, सरकार की नाकामियों को अगर वो बताना चाहते हैं तो ये गलत कहां से? बहुत सही बात रखी है कि इतने गुट हैं और थपलियाल भाई साहब ने भी आज बहुत अच्छा बोला कि कांग्रेस जो है अगर उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे बात करती एक मजबूत विपक्ष के रूप में तो निश्चित रूप में ये एक अच्छी शुरुआत होती, लेकिन ये खुद ही हास्यास्पद बात है कि ये लोग जो है माना से स्टेट लेवल पे राहुल गांधी की पद यात्रा में शामिल होंगे, बैठक करेंगे। तो पहली बात, जनता पार्टी मानती है कि उत्तराखंड के अंदर ज्वलंत मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नहीं, हम और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग है, खराब कर रहे हैं चैनल वालों का,
अगर राजनीतिक दल के नेता होने के बावजूद आपको ये नहीं पता कि प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे होते भी हैं या नहीं होते हैं, ज्वलंत मुद्दे विकास के हो सकते हैं, ज्वलंत मुद्दे जो हैं कार्य प्रणाली के हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था के हो सकते हैं, कार्य व्यवस्था के हो सकते हैं, सभी चीजों के होते हैं। और हम लोगों को ये देखिए, भाजपा ऐसी बातों से पीछे नहीं हटती है। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं आपको लगता है उत्तराखंड में, क्या ऐसे ज्वलंत मुद्दे आपको लगता है? देखिए बताना चाहती हूँ, कांग्रेस तो हास्यास्पद है ही और पात्र तो ये हमेशा बनते रहते हैं। अब इनका जो, क्योंकि देखिए गुट बहुत ज्यादा है, प्रीतम गुट उधर को खींचता है, हरीश गुट इधर को खींचता है, हरीश का बेटा जो है हरिद्वार की तरफ को खींचता है, बेटी भाद्राबाद की तरफ को खींचती है, लगातार जो इनके गुट बिखरे पड़े हैं ना, तो इनको राहुल गांधी के साथ में मिलके ये करना चाहिए कि भाई कांग्रेस तो जोड़ लीजिए ना, पहले जो टूट रही है G23 एक बन गया, बड़े बड़े नेता इनके कांग्रेस छोड़ के भाग गए, तो ये चीजें जो है इन पर विचार करने की जरूरत है और भारत में जोड़ने के बजाय भारत को समृद्ध करने में दिमाग लगाइए। भारत में विकास कैसे किया जाए, जहां कांग्रेस शासित है वहां पे कांग्रेस कैसे काम करे कि भाजपा शासित प्रदेशों से आगे निकले, उस पे फोकस होना चाहिए। भाजपा की अगर आपको प्रेरणा आएंगे आपके पास। संदीप चमोली जी इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसे और अच्छा काम करने की जरूरत है, और ये भी बात निकल कर सामने आई कि उत्तराखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। जवाब दूंगा, सबसे पहले तो मैं सुनीता जी का जवाब दूंगा, ये किन पटेल की बात करती है? ये वही पटेल थे आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए, समझदार की तरह सुनिए। पटेल एक अकेले ऐसा नेता थे भारत जिसने आरएसएस, जिसकी ब्रांच आज के समय में भाजपा है, जिसके कारण भाजपा फल फूल रही है, उस पे इस भारतवर्ष में बैन लगाया। अकेले सरदार पटेल इस भारतवर्ष में एक ऐसे नेता थे। इसके बाद आप किस बांग्लादेश की बात करते हैं? अरे सुन लीजिए, किस बांग्लादेश की बात आप करते हैं? बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के दो टुकड़े, इंदिरा गांधी शेरनी की तरह अगर भारतवर्ष के दो समाज की तौहीन की थी जब अंबेडकर जी को आपने सामंतवादी का प्रतीक, अरे सुन लीजिए समझदारी है विनय जी, इन्हें सुनने का, भाजपा के लोगों को सुनने का माधव रखिए। ये सबसे ज्यादा बोली है, इनको परिचय दीजिए कि ये सुनने का भी माधव रखे। ये जनता की नहीं सुनिए, तो प्रदेश का ये हाल है, सुनीता जी संदीप जी को बोलने दीजिए उनको, बोलिए संदीप जी, आप बोलिए, आप इस प्रदेश के आदमी की सुनी नहीं है? मोदी जी की जो मन की बात है तभी तो रेडियो से होती है, कि उन्हें कुछ सुनना तो है नहीं, आज तक एक प्रेस की मोदी जी ने पीएम बने, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनने का मजा रखिए, आप पक्ष है हम विपक्ष है, सुनने का मजा रखिए, बोलिए आप बोलिए बात, और उसमें इनके मन की बात रह जाती है दिल के अंदर कि हमारे क्यों है? नहीं, वही मन की बात ये बाहर निकालना चाहते हैं। सुनीता जी निकालने दीजिए उनको निकालने दीजिए, बोलिए संदीप जी, बोलिए जी, दुर्भाग्य इस प्रदेश का ही है जो मन की बात। ठीक है संदीप जी, सुनीता जी, संदीप जी क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है, अभी मनोज ध्यानी जी को भी हमें लेना है, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसा थपलियाल साहब ने कहा, आप कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, थपलियाल साहब ने कहा कि भाई नाम हमें पसंद नहीं, तो के अलावा कुछ और नाम होना चाहिए था, उत्तराखंड को लेकर कुछ करना चाहिए था, और वहां पर विपिन खन्ना जी ने भी बोला, उसी को लेकर सुनीता विद्यार्थी जी ने भी कई बार, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है वो आप बताइए। संदीप चमोली जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यात्रा मैं साथियों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं साथ दुर्भाग्य इस पूरे इस पर में
मुद्दे को, उन मुद्दों को आम आदमी को बताना पड़ेगा। बच्चा अगर सर्कस में जाता है तो सबसे लोकप्रिय वो जोकर को देखने जाता है। कोई जोकर आते हैं, कपड़े बदलते हैं, माणा में जाके भाषण और हिमाचल की ड्रेस में आते हैं, हिमाचल की ड्रेस में आते हैं, और जिनका मकसद मात्र वोट लेना, जिनका मात्र मकसद है वोट लेना, तो उन जोकरों के बारे में इस प्रदेश के लोगों को बताने के लिए कि भैया दो बोली भाषा आपकी बोलकर। बिल्कुल बिल्कुल मनोज ध्यानी जी, आपने तमाम लोगों की बात सुनी, आएंगे आप लोगों के पास। मनोज ध्यानी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का नाम सही नहीं है? सबकी आपने बात सुनी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा नाम में कोई बुराई नहीं, भारत का नाम आ जाए और उसके जोड़ने के कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति प्रयास करे, उसका स्वागत है। और अगर कोई पार्टी अगर प्रयास करती है, उसका भी स्वागत किया जाए। मूल विषय है कि उत्तराखंड के मुद्दे उसमें हाँ नहीं होंगे, उनको अपन स्थान मिलेगा। जैसे अभी बिटिया अंकिता भंडारी की हत्याकांड से जुड़ी हुई बात है, तो मैं बताऊं कि मुझे इस बात पे एक सेटिस्फेक्शन हुआ था जब शिवसेना ने वहाँ महाराष्ट्र में बाकायदा मौन रखा उस बिटिया को सिद्धांजलि के सूत्र। ऐसे ही कर्णाकुलम में जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, उन्होंने भी मौन धारित करकर सम्मान दिया उस बिटिया को। मुझे याद है कि आदरणीय निशंक जी जो तौर से हैं, उन्होंने भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए और उस बिटिया को सिद्धांजलि की। प्रधानमंत्री की ओर कोई ऐसा कार्यक्रम रहा होगा मुझे नहीं है, नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग राजनीतिक बात में लोकतंत्र के नाम पर कुछ ज्यादा फंस जाते हैं। कई बारी हमारे को जो वास्तविक जमीनी मुद्दे हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं। और क्योंकि मैंने की बहस से उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो उत्तराखंड राज्य के भीतर के पैनल, और मुझे लगता है कि हमें उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य पूरे देश के अंदर कैसे बनाना है, उसको एक स्वर्णिम और मुकुट के रूप में वो राज्य कैसे स्थापित हो, इस पर केंद्रित करनी चाहिए। अगर हमारे देश का नाम प्रधानमंत्री की या विपक्ष के द्वारा या किसी भी दूसरे पक्ष के द्वारा हमारे देश का नाम ऊंचा होता है तो वो हमारे लिए गर्व का विषय होता है। और कोई अप्रिय घटना होती है या भ्रष्टाचार की जिस तरीके से विधानसभाओं के भीतर निकले, भ्रष्टाचार का पूरा UKSSC में 50 के करीब लोग जेलों में चले गए हैं, उससे नाम पूरे राष्ट्र के भीतर बदनाम होता है। तो राजनीतिक सूचिता, पारदर्शिता, प्रशासन की जो नीति है वो ये कहती है कि हम राष्ट्र के मुद्दों के प्रति राज्य के मुद्दों के प्रति सीधा हो और राज्य सेवा को राष्ट्र सेवा माने। हम अगर राज्य को बेहतर बना देंगे तो हमारा राष्ट्रीय वही पे बहुत बड़ा योगदान है। और उत्तराखंड को राजनीति करना है, राजनीति करने का बराबर सम्मान करता हूँ, मेरा सभी के प्रति आदर भाव है लोकतंत्र के रूप में। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये राजनीतिक दल अपने दलों के भीतर भ्रष्ट लोगों को धन बल के बाहुबल से मुक्त करें, एक स्वच्छ और स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना की ओर आगे बढ़े। लेकिन वहां पर मैं देखता हूँ कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं, क्योंकि जो हमने 7,800 ADR की यात्रा है, शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसके जो रेप केस, मर्डर और उनको टिकट न दिए, ऐसे नहीं थे कि सभी के। आज जो हमारी विधानसभा उत्तराखंड विधानसभा है, मोर देन 80% सारे के सारे करोड़पति है। संसद के भीतर 48.5 करोड़ औसत संपत्ति है हमारे सांसदों की, सिर्फ एक महिला प्रतिनिधित्व तो संसद के भीतर है और विधानसभा की सदन के ऊपर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन चीजों पर हमें बहुत संजीदा होकर काम करना चाहिए। और मेरा अनुरोध है, मैं सभी आदरणीय पैनलिस्ट को यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सिर्फ इसलिए कि एक राजनीतिक दल के उस कार्यक्रम को खराब बताना है, इसके सब उसी
एक ही जगह एक ही तरीके से सोचना पड़ा। बिल्कुल मनोज ध्यानी जी, बिल्कुल। तो क्योंकि हमारे पास समय कम है, पीसी थपलियाल साहब, मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखे। माड़ा गांव से अगर भारत जोड़ो यात्रा का प्रयास किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है, कम शब्दों में, समय कम है। अनम्यूट कर लीजिए थपलियाल साहब, अनम्यूट कर लीजिए। समस्या है कि जो हेडलाइन है वो मैच नहीं कर रही है राज्य की समस्याओं से, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में जो कोई भी राजनीतिक दल है उन दलों की जो समझ है वो इतनी कम है, ऐसे कमजोर नेताओं के हाथ में उत्तराखंड आ गया है, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, कि वे लोग इस राज्य को विकास के पथ पे नहीं ला पा रहे हैं। ये हमारी चिंताएं हैं। इस चिंताओं को लेकर हम चाहते हैं कि इन लोगों में ऐसा गंभीर मंथन हो जो इनकी जो ज्ञान है वो राज्य के विकास के लिए, राज्य के भूगोल को की समझ के लिए आगे इसका उच्चीकरण हो। लेकिन दुख इस बात का है कि हल्के लोग राजनीति में आ गए हैं और वो लोग आ गए जो किसी काबिल नहीं थे, वो उत्तराखंड के भाग्य विधाता बन गए हैं और बाकी जो हमारे जो प्रवक्ता लोग हैं हम उनको प्रोटेक्ट करने पे लगे हुए हैं, चाहे संदीप चमोली जी हो चाहे समय का। मैं थपलियाल साहब रोकना चाहूंगा मैं आपको, विपिन खन्ना जी, विपिन खन्ना जी, समय कम है, कम शब्दों में अपनी बात रखें। भारत जोड़ो यात्रा का प्रयास किया जा रहा है माड़ा गांव से, अगर कांग्रेस को भी आस है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो बहुत अच्छी बात है और कांग्रेस की अपनी अस्तित्व की लड़ाई है और अस्तित्व की लड़ाई हर राजनीतिक दल को लड़नी चाहिए। जो हश्र कांग्रेस का देश में हो रखा है उसको संभालने के लिए अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है तो उसमें मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। सुनीता जी, जी देखिए यहाँ पे मैं, मेरे को तो यही निचोड़ पूरा लग रहा है कि राहुल गांधी जी इस पद यात्रा से एक संदेश जरूर भारत को देने वाले हैं कि वो पहली बार भारत में 150 दिन तक लगातार भारत में रुकेंगे, कहीं उड़ेंगे। ठीक है, दूसरी ये बात निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, समय हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे पैनल में जुड़ने के लिए, देवभूमि के दंगल में चर्चा करने के लिए। तो माड़ा गांव से आस, भारत जोड़ो प्रयास, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे माड़ा गांव में, देश के अंतिम गांव में लोगों से मिले थे, महिलाओं से मिले थे, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा भी दी थी। अब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की वहां से बात हो रही है। तो जहां एक तरफ बीजेपी के लोगों का कहना है कि ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, वहीं पर आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये भी बात सामने निकल कर आई है जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि ये यात्रा निकली है तो उन पर सरकार की नाकामियों को भी बताने का प्रयास किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।